आज मैं आप सबों को 23 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित किया गया था, जिनमें हम एक से लेकर के 150 प्रश्न देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों का शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि शैवाल तथा कवक की मद सहजीविता कहलाती है या लाइकेन कहलाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष का अनुपात क्या है, तो यह 4% था। 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, वाई 60 दिनों में 60% काम कर सकता है, जेड 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, तो कौन काम पहले पूरा करेगा। इसका कहने का मतलब, कौन सबसे कम दिन लिया है। एक्स जो है ना, आपको 1/5 काम करने में इसको लगता है कितना, 10 दिन लगता है। टोटल काम में कितना लगेगा, यानी 1/5 भाग करने में 10 दिन लगता है टोटल, यानी पूरा करेगा तो यह 50 दिन ले लेगा। वाई जो है आपको 60% कहने के, 60/100 इतना करने में यह 60 दिन लेता है, तो पूरा यह कितना लेगा, तो 60 × 100/60, यानी कि यह टोटल लेगा 100 दिन लेगा। जेड जो है यह 1/3 काम लेता है, करने में 12 दिन लेता है, टोटल काम करने में लेगा 36 दिन। तो बोला सबसे कम कौन दिन, कम कौन सा सबसे कम जो है, कौन जो है कम दिन लेगा, तो यह जेड आंसर हो जाएगा, जो 36 दिन में ही पूरा करेगा। इसका गोलार्ध में समताप रेखाओं को कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है, तो यह विशाल महासागरीय विस्तार है, जिसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, इसका विषम कर रहा है, देखने के लिए यह बंद है, यह बंद है, यह बंद है, देखिए यहाँ पे यह ओपन है, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग, आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग, एक्स ने इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है तो खरीदे गए सेब की संख्या। इसका मतलब ये हुआ, यह जो है ना, सेब पर 6 रुपया प्रति की दर से खरीदता है और आम प्रति 5 रुपये दर से खरीदता है। एक्स जो है ना 42 रुपया खर्च किया, कर कितना सेब खरीदा। देखिए एक सेब का मूल 6 है, तो जितना सेब लिया है, मतलब कुल एक्स मान लेते हैं, तो 6x हो जाएगा सेब का दाम, और यहाँ जो है ना 5 रुपया में एक मिलता है आम, तो वायर आम खरीदा होगा, ये टोटल 42 रुपया के बराबर है। अब देखिए ऑप्शन में ए देख लीजिए इसमें, तो इसमें हम 2 लेते हैं, यानी डी जो है 2 नंबर है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक्स के मान पर हम 2 रखते हैं, तो 6 × 2 हो जाएगा 5y हो जाएगा, इसके बराबर यह 42 हो गया। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 42 से जैसे इधर के गुणा करके घटाइएगा 12, तो यह आपको 30 हो जाएगा। 30 में अब इस 30 में क्या कीजिए, y जो है गुणा में भागा कीजिएगा, तो ये 6 हो गया। मात्र इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए x का मान यदि आप क्या करते हैं, 2 रखते हैं, और यदि y 6 रखते हैं, 42 रुपया मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह आपको डी हो जाएगा। इस प्रश्न का देख लीजिए, इस प्रश्न को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाइएगा। इसका देख लीजिए, ये क्या कह रहा है कि 3 2, इस दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ मिलेगा, इस दोनों को गुणा कीजिएगा तो यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से इस दोनों को जोड़ा गया, यहाँ रहा, दोनों को गुणा किया गया यहाँ, तो 8 × 3 = 11 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। तो संख्याओं का योग 36 तक गुणनफल 315, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर क्या हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप x − x + y = हमको 36 दिया गया है, और x × y = 315 दिया गया है। x − y² क्या होगा, x + y² − 4xy लिख लेते हैं। अब देखिए x + y का मान 36 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर 4 है, ये x × y का मान है 315 है, इसको जब हल कीजिएगा आपको, इसको 1296 हो जाएगा, इसको ये अब 1260 हो जाएगा। जब इस दोनों को घटाइएगा आपको 36 हो जाएगा, हमको x − y निकालना, तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कितना होगा, इसका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। ये a² है −b² = क्या होता है, a + b × a − b के बराबर हो जाएगा। अब a का मान दिया गया है 64 + 36 और 64 − 36, इस दोनों को इसको हल कीजिएगा 100 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा 28 हो जाएगा। ये टोटल के बराबर दिया है, 20 जेड के बराबर दिया, ये टोटल 2800 हो गया,
ये कितना हो गया 20 जेड हो गया। हमको जेड के बराबर देखिए यहाँ पे जो है यह मल्टीप्लीकेशन में है, इधर भाग कीजिएगा 20 से तो यह हो जाएगा 140, जो कि आंसर नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, यह सी नंबर में है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पे कह रहा भरने के लिए क्या होगा, देखिए एक छोड़ के एक, चार प्लस चार आठ हुआ, आठ चार बारह हो गया, बारह चार सोलह हो गया, सोलह चार बीस हो गया, इधर देखिए सात दोनों चौदह हो गया, चौदह दोनों अट्ठाईस हो जाएगा, अट्ठाईस दोनों छप्पन, छप्पन दोनों एक सौ बारह, एक सौ बारह हो जाएगा। इसका आंसर नंबर कितना होगा, अट्ठाईस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह बंगा गांव में हुआ था, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो इसको इतना से भाग देने पर उसमें तेरह शेष बचे, तो इस सब का जो आप एलसीएम निकालिएगा तो यह चौदह से निकलता है, और यह चौदह सौ में इससे भाग दीजिएगा तो यह कट जाता है, लेकिन हमको कहा तेरह शेष, इसलिए तेरह इसमें क्या कीजिए ऐड कर लीजिए, यह हो जाएगा चौदह सौ तेरह, चौदह सौ तेरह आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है ए और बी मिलकर 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बी अकेले 25 दिन में, ए अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो कह रहा है कि ए और बी जो है ना यह दोनों मिल के काम करता है 20 दिन में, बी जो है ना अकेले करता है ये 25 दिन में। इस टोटल इस दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, 100 हो जाएगा, 100 वर्क हो गया। अब देखते हैं इस 20 के से करेगा तो यह 5 दिन में कर लेगा, यानी दोनों मिल दोनों का क्षमता 5 हो गया, इसका क्षमता 4 हो जाएगा, बी का क्षमता 4 हो गया तो ए का मतलब 1 हो जाएगा, तब ना दोनों मिल के 5 हुआ है। अब कह रहा है ए कितना था, ए एक के क्षमता से करेगा, 100 से भाग दीजिएगा तो यह 100 दिन में काम कर लेगा, 100 दिन कहाँ पे है देख लीजिए, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एम हर्स्ट था, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। है कि इसका अनुपात करण निकालने के लिए का समान अनुपात समान है, तो इसमें क्या है 4 पे पावर 3.5 लिखा गया है, 3.5 लिखा गया, आइया लिखा गया 2 पे पावर 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, इसके भी इस पे पावर 3.5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पे पावर 5 है, इसको हल कीजिएगा तो इस दोनों ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो ये कितना होगा 7.0, यानी 7 हो गया, ये 5 हो जाएगा। अब भागा में बेस समान आता है, पावर घटता है 2 पे 7 माइनस 5, या 2 पे पावर 2, इसको आप क्या लिखिएगा 4 लिखिएगा। अब देखिए 4 जो है इस दोनों को हल करने के बाद 4 आया है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, इसका आंसर हो गया 4:1, जो कि आंसर नंबर ए में दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा 19 नंबर का। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है या 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद जन्मदिन पर, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। भू संतुलन शब्द का प्रयोग जो किया था यह बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है एक राजस्व अधिशेष राज्य, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू हो जाते हैं, अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, कुल नए छात्रों की संख्या कितनी भर्ती हुए हैं। इस सवाल को देख लीजिए पुनः से, एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं, अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, स्कूल में नए छात्र कितने भर्ती हुए हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब टोटल जो है ना यह 15 गो वर्ग है यहाँ पे चल रहा है, लेकिन जब 4 नए यहाँ पे नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नया वर्ग बढ़ गया है, इसका मतलब पहले 11 वर्ग चलता होगा, अब यहाँ 15 चल रहा है, पहले एक वर्ग में 30 बच्चा था तो 11 में कितना हो जाएगा, 30 को 11 से गुणा कीजिएगा तो यह आपको 330 हो जाएगा। अब कह रहा है जब 15 वर्ग हो गया तो बच्चा यहाँ पे एक वर्ग में 25 ही है, तो 25 से इसको मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 375 के बराबर, पहले 330 बच्चा था, अब 375 हो गया, कितना बच्चा बढ़ गया इसको घटा लीजिएगा, यह आपको 45 को बच्चा आ जाएगा, जिसका आंसर नंबर आप देख लीजिए ए नंबर में दिया गया है। ताकि 50 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए अब जो है 150 से क्या बोला है छोटी, यानी 149 तक का ही बोला है, इसको
हमको औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, और राशियों का योग बटे राशि संख्या होता है, ये तो इसका फार्मूला हो गया। अब एक से लेके 149 तक लिखिएगा तो पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, तो यह क्या होगा, लगातार संख्याओं का योग हो गया, तो n इंटू एन प्लस वन बटे टू, ये फार्मूला होता है जोड़ने का। हमको निकालना है औसत, औसत मतलब टोटल n 149 हुआ, इसलिए n से भाग दे दीजिए, यह n कैंसिल हो गया, इसका मान क्या हो गया, n प्लस वन बाय टू हो गया। अब हमको n का मान कितना है, 149, 149 में एक जोड़ लीजिए, भागा दो से कीजिए, तो यह 150 हो जाएगा, भागा दो कीजिएगा तो यह आपको 75 हो जाएगा। 75 देख लीजिए कहाँ पे है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जमना, ठोस, पानी जब जमता है तो ठोस बन जाता है, पिघलता है तो यह तरल बन जाता, आंसर नंबर इसका टी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसको तो आप मान याद कीजिए, इसको हल करना पड़ेगा, इसको यह तो एक है, तो एक प्लस इसको हल कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, इसको हल कीजिए कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, इसको हल कीजिए कितना आएगा आपको, 1/320 है। आप इसको जो है LCM निकाल लीजिए, यह 320 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग कीजिए, यह 320 हो गया, यहाँ पे आपको जो है ना 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस सब को जोड़िएगा आपको 341/320 आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे है 341/320, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इस श्रृंखला में क्या कह रहा है, देखिए 15 के बाद 30 आया, फिर यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, इसके बाद क्या है 40 आ गया, फिर 8 है, यहाँ 48 है, तो हम देखते हैं 15 यहाँ कितना है, यहाँ पे 10 40 हो गया, 40 8 48, पहले 10 बढ़ा फिर 8 बढ़ा, लेकिन इसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 15 है, 15 के बाद क्या होगा, यहाँ पे 8, इसका मतलब यहाँ पे घटा है, यहाँ पे घट गया है, तो इससे और क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, इसका आंसर नंबर टी होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, इसमें इसको क्या लिखा जाए, के 11 होता है तो एन 14 होता है, देखिए इसमें कितना बढ़ा है 3, तो ई 5 होता है तो 5 में 3 8 होगा, एच में 8 होता है, एच देखिए शुरुआत में यहाँ पर है और यहाँ पर, और दूसरों दोनों में किसी में नहीं है। अब इसका अंतिम देख लेते हैं, अंतिम 5 है, यहाँ पे कितना है 2, यानी घटा है 3 घटा है, इसका अंतिम सी है, सी में से 3, यानी 3 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ 0 है, मतलब 26 हो जाएगा, जेड हो जाएगा, अंतिम अक्षर क्या होगा, जेड, देखिए आंसर नंबर डी एक ही है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये 29 नंबर का आंसर जो होगा यह ए हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, किसी संख्या का आप 30% निकालिएगा ना, और जब इसमें 49 जोड़ लीजिएगा तो वह संख्या जो पहले आप माने थे वही मिल जाएगा आपको। इसको आप हल कीजिएगा, इधर क्या है, ये x माइनस एक्स 3x/10 हो गया, ये 49 के बराबर है, यानी कि इस दोनों को हम लेके इधर चले गए, ये 49 इधर ही है, तो यह कितना हो गया 10, ये 10x-3x/49 हो गया। हमको निकालना कहीं 10x है तो यह 7x/10 हो जाएगा, ये 49 है, हमको x का मान निकाला है, 7x/10 हो गया बराबर 49 है, x का मान निकालिएगा 49 × 10/7, 77 × 7 = 70, वह संख्या कौन सा है, वह 70 है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इस प्रश्न का देख लीजिए, इसका हल आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होना चाहिए 31 का। अब इसमें देख लीजिए 32 में क्या कर रहा है, सुभाष बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 22 का विजेता कौन है, तो यह है आपको विनोद शर्मा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इस प्रश्न को देख लेते हैं क्या होगा, इसको पहले हल कर लीजिए क्या होता है, 2.002 कितना है 20.02, इस डेसिमल को हटाने के लिए, यहाँ के हटाने के लिए इसके ऊपर कर देते हैं, यानी दशमलव के लिए 2 अंक 2 0, दशमलव है तो 1 3 × 3 0 दे दिए। अब इस दोनों को हल कीजिए तो ये कट गया, ये इसके बराबर कट जाएगा, तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 1/10 मिल गया, यानी इसको हल किए तो 1/10 मिल गया। अब देखते हैं इसको हल करके कितना मिलता है, तो यहाँ पे कितना है 2002/200.2 है, इसको इस डेसिमल को हटाइएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ तो कट गया, कितना हुआ 10 हो गया,
पहले कितना था, 1/10 था, अब यह 10, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, इसको क्या होगा 100 हो जाएगा, तो 101/ कितना हो गया 10, इसको आप लिखिए कितना लिखिएगा 10.1 लिखिएगा। अब देख लीजिए 10.1 है यहाँ पे, नहीं यहाँ देख लीजिए, यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 10.1, यहाँ 1 0 लिखा है, तो ये इसी के बराबर है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तब इसमें क्या लिखा जाएगा, देखिए एम जो होता है ना 13, इस दोनों को जोड़ के यहाँ लिखा गया 4, यहाँ वाई कितना है 25 होता है, तो इस दोनों को जोड़ के यहाँ 7 लिखा गया। इसी तरह से एस 19 होता है, तो 19 जो होता है इन दोनों को जोड़ के कितना होगा 10 हो जाएगा, आंसर नंबर देखिए इसका डी हो जाना चाहिए, डी होगा। 35 नंबर में करा कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो यह जो बंध है आपको 1 सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंध नहीं रखता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर को ऐड करना है, इस तरह से रंग देना है, कलर कीजिएगा, तो इसका आंसर नंबर आपको डी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। एक शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करता है, वह है आपको क्लोरेला, और इसका एक और होता है जिसका नाम है इसको एस्पिरुलिना, ये 2 शैवाल का यूज करता है अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में, ये इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये ऑक्सीजन भी देता है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो यह साहित्य अकादमी द्वारा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यह राष्ट्रपति करता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो यह भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो यह होता है कवक, कवक को ही दूसरा नाम है इसको साइक्रोमाइटिस सेरेवियस, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। संविधान में किस संशोधन के अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं, तो यह जोड़ा गया है आपको यह ए 42वां संविधान संशोधन, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, यह फिगर में जो है, इस फिगर में इस सबको जोड़िएगा तो कहाँ मिलेगा, तो यह आपको बी में मिल जाएगा। काशग्राही कोशिकाएं सलका एवं शंकु उपस्थित होते हैं, तो यह होते हैं आपको रेटिना में, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित शंकाओं विवादों को लिए निर्धारित संबंधित है, तो अनुच्छेद क्या है ये 71 है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है, तो यह है ओम मीटर, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब देख लीजिए ये प्रश्न जो है, 3 मिश्रणों में दूध पानी अनुपात इतना 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 दिया, जिसका इस अनुपात में मिलाया जाना है, नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा, देखिए इसको बनाने के लिए आसान क्या तरीका है, पहले देख लेते हैं इस समीकरण में कितना, पहले दूध है, इसमें दूध कितना है, इसमें सबको जोड़ लेते हैं और इसी के आधार पर इसके अनुपात में मिलाना है, इसको बनाने का क्या है, देखिए 2/ हम कितना लिखते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं 5 हो गया, प्लस करेंगे इतना कि क्या होगा ये 3/4 हो जाएगा, प्लस करेंगे ये 4/5 हो जाएगा अनुपात। अब क्या है इसको जो कीजिएगा तो ये यहाँ 2/5 हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, प्लस 5/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 में, 2, 3, 4 में कह रहा था हमको मिलाने के लिए, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को इसको कीजिए, इसमें क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 से, इसमें 4 से कीजिए, इस सब को जब हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 869:751, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यह योजना जो की गई थी 2015 में, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, तो यह वर्ग जो है आपको, अब जब इसको निकालिएगा तो एकमात्र यही है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा।
किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो यह 1966 से 69 आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। इसमें कह रहा है इस आकृति में अन्य को चुने, देखिए ये अपोजिट में है, अपोजिट में है, ये अपोजिट में है, लेकिन ये अपोजिट में नहीं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इन्हीं में से किस युग्म को चुनिए, देखिए त्रिभुज तीन है तो आय चार को हो गया, तो पंचभुज का षष्ठ भुज आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। हल कीजिएगा, यहाँ फेसिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प, इसको यह लिखा गया कोड में, और इसको यहाँ पे ये लिखा गया है, इसको यहाँ पर आपको यहाँ लिखा गया है। इसमें क्या रहा, इसका जो है ये, तो इसके आधार पे आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। एल एन ई का आंसर नंबर क्या होगा, तो 55 का आंसर नंबर एवरी हो जाएगा, आप इसको निकाल ले सकते हैं। 56 का आंसर आपको एन जी आई बी बी नंबर हो जाएगा। करा कि अनुच्छेद 39 ए का प्रावधान है, तो यह है आपको बी, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है, कह रहा है ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता, अगर इसको हल कीजिएगा तो इसको हल करने पर जो है हमको जो आया है यह बी, यानी भाग जब दे भाग देंगे इस जगह पे तो यह इसको पूरा कर लेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, बी होगा इसका आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है, 59 नंबर में देख लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो यह बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का था, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। यह नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। कह रहा 500 मीटर पूर्व जाता है, तो 500 मीटर पूर्व चला दीजिए। फिर कहता है कि यह बाएँ मुड़ता है, बाएँ मुड़ेगा 400 मीटर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वह जब बाएँ मुड़ता है, फिर वह बाएँ मुड़ता है 500 मीटर चलता है, फिर क्या करता है वह बाएँ मुड़ता है 400 यहाँ चलता है, जहाँ चला था वहीं पहुँच कर 0 किलोमीटर, कितना आंसर हो गया इसका, इसका आंसर आ गया 0 किलोमीटर, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में कम इसको ये लिखा गया है, इसमें इसको ये लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया, तो कहता है अगेन का आंसर क्या है, इसका आंसर आपको एन ए होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा यदि आप निकालिएगा तो। कर प्रकाश तंतु का प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत पर होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित प्रदेशों में किसका मुख्य शीत ऋतु वर्षा होती है, तो यह है मानसून एशिया प्रदेश, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए, तो यह होगा आंसर नंबर आपको ए हो जाएगा, 65, कितना होगा 65 का ए हो जाएगा। कि किसी परीक्षा कक्ष में 5 छात्र हैं, ये इतना है, कतार में बैठे हैं, वी एक्स के बीच में केवल जेड है, वाई एक्स के ठीक पीछे है, वी प्रथम में है, आखिरी में दूसरे कोण में बैठा है। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है, यदि आप इसको हल कीजिएगा तो एक कतार में वी और एक्स बैठा हुआ है, वी और एक्स के बीच में केवल एक जेड बैठा हुआ है, और y जो है ना x के ठीक पीछे है, y क्या है x के ठीक पीछे है, यहाँ पीछे हो जाएगा, और भी प्रथम स्थान पे, तो कितना है 5 को बच्चा है, 1 2 3 4 5, देखिए भी कहा गया प्रथम स्थान, भी यहाँ पे हो जाएगा, और जो है ना आपको z को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो ये आपको x यहाँ हो जाएगा, और y आपको यहाँ हो जाएगा, और w यहाँ हो जाएगा। देख लीजिए भी जो है ना एक्स और जेड के बीच में, भी एक्स जेड के बीच में आ गया, और जो है ना वाई से आगे है एक्स, तो वाई से आगे एक्स हो गया, जो बच के डब्ल्यू अंतिम में होगा। अब कह रहा है इसमें आखिरी के दूसरे स्थान, आखिरी पहला है दूसरा, तो इनके इसका आंसर नंबर वाई हो जाएगा, वाई देख लीजिए आंसर नंबर डी हो गया। विक्रय मूल्य बताएं जब लागत मूल्य इतना है, तो लाभ 15% लेना है, तो यह 36.40 पे लाभ लेना है इसको 15%, 115/100 कर दीजिए, इसको जब हल कीजिए 41.86 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी आएगा, इसका आंसर नंबर डी आ जाएगा, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 नवम्बर को, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा है, लॉस और एलसीएम निकालन, देखिए जब पावर बेस समान रहता है, पावर इसका सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ए सी ए डी ई एम आई सी है, यहाँ पे लिखा है ई बी डी बी डी जे
एन एफ ये लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये चार शुरुआत से ले लीजिए और चार इधर ले लीजिए। देखिए ई डी जो है ना, इसको यहाँ चेंज किया गया, इसको यहाँ चेंज किया गया, इसको यहाँ, इसको यहाँ गया, इसी तरह इसको यहाँ यहाँ यहीं तो होगा, डी यहाँ चेंज किया गया, इसको यहाँ किया गया, इसको यहाँ, इसको यहाँ किया। इसी आधार पे आप जब इसको निकालिएगा 70 का, तो यह आंसर आपको सी आ जाएगा। सी देख लीजिए, सी होगा इसको। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें समांतर श्रेणी में दिया गया ये 18वां पद क्या हो जाएगा। पहला पद देखिए क्या है इसका, रूट टू है, तो डी निकाल लेते हैं। देखिए मतलब जो निकालना होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ए का मान ये रूट टू हो जाएगा, डी निकालना है, डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे इसको घटा लीजिए, थ्री रूट टू माइनस टू है, इसको घटाइएगा तो टू रूट टू आ जाएगा, डी निकल गया। अब हमको एन का मान 18 दिया गया, इस पर आप क्या कीजिए, बैठा दीजिए। जैसे बैठाइएगा तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का मान कितना हो गया, रूट टू प्लस 18 है, 18 माइनस एक, यहाँ डी का मान कितना था, टू रूट टू निकला था, तो टू रूट टू हो गया प्लस इसको कीजिए 17 गुना टू रूट टू हो जाएगा, यह रूट टू है, इसको हल कीजिएगा 34 रूट टू हो जाएगा, ये दोनों को मिले 35 रूट टू हो जाएगा, 35 रूट टू आंसर इसका आंसर नंबर हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर ए में दिया गया है। इस प्रश्न में कह रहा है क्या, ये जो है जिस तरह से इसका संबंध उसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे या इस यहाँ पे क्या होगा, 72 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसको देख सकते हैं आप। मैं कह रहा है कि इतना इतना में 12 से भाग विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो पहले आप इसमें 12 से भाग कर लीजिए, फिर इसमें कर लीजिए, इसमें सबके शेषफल देखिए कितना कितना आता है, तो पहला का शेषफल 5 आया है, दूसरा का शेषफल 7 आया है, तीसरा शेषफल कितना है, 9, इस सबको भाग गुना करके 12 से फिर भाग कीजिए, 315/12 हो जाएगा, यह 3 शेषफल इसका आंसर नंबर होगा बी हो जाएगा। कंट्रोल आवेक्ष का उपयोग कहाँ होता है, तो यह होता है आपको धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 3% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा, देखिए इसको निकालने के लिए तभी हम वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर होते हैं, आर आर क्या है, 2 बार आया है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो इसका फॉर्मूला लीजिए ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 लगाइए, तो 3% है, फिर 3% है, प्लस है 3 × 3/100, इसको जब हल कीजिएगा कितना हो गया यह, तो 3 × 3 6 हो जाएगा, इधर 9/100 हो जाएगा, 6 + 0.09 हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 6.09 हो जाएगा, आंसर नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, यह इतना हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है इस सब का औसत दिया है 10, इसका औसत दिया गया है 12, तो वाई का मान निकालने के लिए यहाँ पे कर इससे एक्स निकाल लीजिए, तो यह इस सब को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 76 का, यह हो जाएगा आपको इस सब को जोड़िएगा 36 प्लस एक्स हो जाएगा, जो कि आपको इधर ये 50 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 से भाग दीजिएगा तो इधर 50 हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया, ये आपको एक्स का मान जो है ना आपको 14 निकल जाएगा। अब इसमें देखिए कितना है, संख्या आपको 7 है, 7 से 12 गुना कीजिएगा 84 हो जाएगा, इस सब को जोड़िएगा, एक्स का मान 14 यहाँ रखिएगा तो यह हो जाएगा आपको कितना, यह आपको हो जाएगा 78, 78 टोटल जो है इस सब को जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस सब को जोड़ने पर यह 78 प्लस वाई के बराबर होता है, इधर कितना होता है 84 होता है, तो 84 में क्या कीजिएगा, ये 78 घटाइएगा तो आपको आंसर निकल जाएगा 6, इसका आंसर कितना होगा, 6 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। एक वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण किसके व्यास के परितः घूमता है, तो यह होता है एम आर स्क्वायर पावर बटा 4, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। राधा उत्तर दिशा की 10 मीटर चलता है, फिर बाई और मूर्ति 10 मीटर 30 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाई मूर्ति 10 मीटर चलती है, आगे वह दाई तरफ मुड़ने पर 10 मीटर चलती है, तो वह बताएं प्रारंभ से कितनी दूर है, देख लीजिए कैसे होगा। तो पहले हम डायरेक्शन के लिए बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अभी 10 मीटर किधर चला, उत्तर चला, 10 मीटर उत्तर चला लीजिए, फिर कह रहा है कि वह बाई मुड़ा 30 मीटर चला, 30 मीटर चला लीजिए, फिर वह कहता है क्या पुनः बाई और मुड़ा,
फिर बाईं ओर मुड़ेगा 10 किलोमीटर चला है, फिर इसको क्या किया, फिर वह जो है ना दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ेगा कितना मुड़ा है यह, तो यह 10 किलोमीटर मुड़ा है। अब देखिए यहाँ चला, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा, आई 10, टोटल टोटल कितना हुआ 40, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। आरबीआई के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ है, यह घोषणा का अर्थ जो है आपको यह है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होना। 4x² - 10x हुआ है प्लस 6 हुआ है बराबर 0 है, इसका मान आपको डी होगा। कैसे होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा, रख रख के चेक कीजिए। तो यहाँ पे 4x², x का मान 3 है, 3 * 9 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10, ये दोनों गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, 6 * 10 कीजिएगा प्लस, y का मान कितना है 2, 2 * 4 होगा तो चौके कितना होगा 24 हो जाएगा, इसको 36 हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा, इधर कितना होगा 24 होगा, ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा घट, कितना दोनों घटाइएगा तो 0 के बराबर इसका, इसलिए ये एक सब ये होगा आंसर। फिर आप देख लीजिए इसी तरह आपको क्या करना है, इस समीकरण में आपको 4x² - 10xy + 6y², अब यहाँ पे 1:1 है, 1 यहाँ रखिएगा 4, 1 का स्क्वायर है माइनस 10 है, 1 * 1 कीजिएगा प्लस है 6 * 1 का वाला स्क्वायर कीजिएगा, 4 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6 हो, ये दोनों जोड़िएगा 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 यानी कितना होगा 0 हो गया, ये संतुष्टि इसको या 0 के बराबर हो गया, इसलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां नीचे से 39, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, देखिए कैसे होगा, ऊपर से कक्षा में जो अर्णव का स्थान यहाँ पे 8वां है, इससे पहले 7 बच्चा रहा होगा, नीचे से 39 है, तो नीचे से 39 ये 38 रहा है तब ना ये 39 हुआ होगा। अब क्या कीजिएगा, ऊपर में 7 बच्चा है, ये 8वां 1 हो गया, इधर 38 हो गया, सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 46 के बराबर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इस चित्र में कहा था कितना आयत है, आयत गिनिएगा तो यह हमको 15 मिला है, देखिए इसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। वह मक्का में ही होता है, या मक्का जो है आपको यानी भुट्टा में ही मक्का रहता है, और पुस्तकालय में जो है क्या होता है किताब रहता है, कक्षा में क्या होता है विद्यार्थी, लेकिन आलू टमाटर नहीं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है, ए ए एक होता है, जी 7 होता है, आई 9 होता है, ओ 15 होता है, देख लीजिए क्या हुआ, 7 से यहाँ 8 बड़ा है, इसमें भी 8 बड़ा है, तो ई 5 होता है, के 11 होता है, इसमें 8 जोड़ लीजिए, इसमें 8 ले 13 हो जाएगा, 13 एम पे होता है, अगर 19 होता है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। एक विक्रेता के उत्पाद में 5% का लाभ पर बेचने का इरादा करता है, यदि लाभ 120 रुपया कम हो तो 3.5 रुपया हो जाता है, उत्पाद का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, पहले यदि 100 रुपया रखा होगा तो 105% इसको लाभ होता है, लाभ मतलब 105 में बेचेगा, कहा नहीं हमको लाभ 120 रुपया कम हो गया, यानी 100 रुपया में यह जो है इसको कितना तो लाभ 3.5 हो गया, 103.5, इसमें कितना है ये लाभ में अंतर कितना है, तो यह लाभ में अंतर है आपको 1.5 इतना, इसी के बराबर दिया गया है 120 दिया गया है, यानी कि 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 120 को 1.5 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए, इधर इस डेसिमल घटाने 10 एक हो जाए, इसको 15 * 8 = 100 हो गया, यानी 8000, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 8000 आंसर नंबर ए हो जाएगा। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष जो होता है ना, यह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है, 87 का डी हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय पार्क आवास है, तो यह है आपको एशियाई हाथी के लिए, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ये इसमें कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इसको आंसर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर 840 है, यदि एक संख्या 5% दूसरी संख्या 15%, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, देखिए एक संख्या जो है ना वह जो है आपको 5% है, यदि एक संख्या का आप 5% निकालते हैं और फिर उसी संख्या दूसरी संख्या का 15% निकालते हैं और उनका जो अंतर है वह कितना आता है, यह होता 840 के बराबर होता है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करना है क्या क्या होगा, देख लीजिए इसको क्या परसेंटेज में कितना यह कम है, तो परसेंटेज में 10 कम है, यह 10 के बराबर यह 840 अंतर दिया, ये दोनों का अंतर दिया है यहाँ पे दिया गया, तो
एक बड़ा कितना होगा 84 हो जाएगा। आप यहाँ पाँच बराबर किया, 84 गुना 5 कर लिया, 15 गुना 84 कर लीजिए, तो यह आपको आंसर नंबर ए हो जाएगा। किस छोटे से छोटे मान के लिए रखा जाता है, 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 11 के विभाजित का नियम क्या करें, जितना संख्या दिया हुआ 6, 4, 8 स्टार यहाँ पर है 4, 5, 8, तो हम क्या करते हैं एक को छोड़ के जोड़ लेते हैं, इस दोनों को जोड़ इस सब को जोड़िए, तो 6, 8, 4, 8 को जोड़िएगा तो यह आपको 26 हो जाएगा। और फिर यहाँ जो बच गया इस सब को जोड़िएगा यानी एक छोड़ के एक, तो यह कितना होगा 5, 4, 9 हो जाएगा। इस दोनों को घटाइए तो यह आपको कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। लेकिन 11 में विभाजिता में कह रहा है या तो 11 के मल्टीपल होना चाहिए या इसका दोनों का इस दोनों का अंतर जो होना चाहिए स्थान जो या जीरो होना चाहिए। 17 में से क्या कितना घटाएंगे ताकि यह 11 हो जाएगा, 6 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, 3 × 2 = 49, 3 × 4 = 116, इतना क्या होगा कि 2 का स्क्वायर किया है 4 हुआ है, 3 का स्क्वायर किया है 9 हुआ है। इसी तरह से 9 का स्क्वायर किया 81 हो जाएगा, 7 की जगह 49 हो जाएगा, 81 से 49 देख लीजिए कहाँ पे है, इसका आंसर नंबर आपको ए हो जाएगा। यह जो है ना आपको दिया गया है पर जल प्रतिबिंब कह रहा है, जल प्रतिबिंब के लिए आपको इसका आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में डैश ने राज्य बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नए स्थलों की खोज की है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की, यह आपको मध्य प्रदेश में, आंसर नंबर यह ए में है। 15 लड़कियों के रुपयों का औसत 50 है, जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत 3 बढ़ जाता है, 3 नई लड़कियों का औसत रुपया कितना है। देखिए 15 लड़की का कितना है 50 है, तो 15 को 50 से क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यह आपको 750 के बराबर हो जाएगा। आपके पास 3 लड़की और जुड़ गया है तो पहले 15 लड़की था, अब 3 जुड़ गया, औसत में कितना 3 का वृद्धि होता है, यहाँ कितना हो गया 18 लड़की हो गया, 53 हो जाएगा। इस दोनों कीजिए गुणा कीजिएगा तो यह 900 आपको 54 हो जाएगा। अब देखिए कितना इसमें बढ़ा है, तो यह बढ़ा है आपको 204 बढ़ा, लड़की कितना लड़की जुड़ा था 3 से भाग कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 68 के बराबर, यानी 68 औसत हो जाएगा 3 लड़की का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। जगदीशपुर बिहार की 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था, तो यह था कुंवर सिंह, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, तो यह वोल्टमीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर का देख लीजिए, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर इसका। वयस्क गणितज्ञ जो है 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था आपको नीना गुप्ता को, आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का कौन सा नया नाम दिया गया, यह है आपको नेताजी एक्सप्रेस, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। इसमें ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड टाइप्स माय ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है, तो यह है लिखी है रत्नाकर सेट्टी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसमें देख लीजिए कौन सा दो चिन्ह को बदलने पर इसका मान जो है 19 हो जाएगा, इसको जब बदलिएगा माइनस और भाग को बदलिएगा तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। मंत्री परिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, यह है अनुच्छेद 163, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भिन्न कौन सा, सबसे बड़ा भिन्न, इसको हल कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 29/6 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो ये 61/9 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 71/9 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 70/10 हो जाएगा। आप इसको आप डेसिमल में निकालिएगा तो इसका मान जो है ना आपको 4.833 के बराबर आएगा, इसको आप हल कीजिएगा 6.77 के बराबर आएगा, इसको हल कीजिएगा तो आपको 7.88 आएगा, इसको हल कीजिए 7.7। देखिए सबसे बड़ा आपको ये है, इसके लिए इसका आंसर नंबर कितना होगा 7.8/9, ये आंसर नंबर आपको बी में मिलेगा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो यह वर्ग आपको 10 है, आप लोग गिन सकते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डैश की गई थी, तो यह की गई थी आपको यह 1963 में, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा।
हेलेंस्की राजधानी जो है ना, हेलेंस्की की राजधानी आपको यह है आपको फिनलैंड की, आंसर नंबर डी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का कौन से समावयवता प्रदर्शित करता है, तो यह जो करता है आपको प्रकाशीय समावयवता, आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। तीन संख्याओं की वर्गों का योग इतना है, यदि जबकि यदि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणन का योग 131, तो संख्याओं का योग क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, यह जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर जो दिया गया है 138 दिया गया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान जो है ना 131 दिया गया। इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, मतलब टू इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब इसमें आप मान रखिएगा तो आप इसका निकल जाएगा, देखिए इसका मान कितना आया था आपको 138 दिया गया है, ये दो है। इसका मान कितना है आपको, यह आपको 131 दिया गया था। अब इस दोनों सबको कीजिएगा तो यह 400 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या वर्गमूल हो जाएगा 40, कितना होगा ये 20 हो जाएगा, आंसर नंबर इसका 20 होगा, देख लीजिए आंसर नंबर डी में का। इसका पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया था, यह है जोरहाट में जो कि असम में है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक पाइप अकेली टंकी को 40 दिन में पूरा भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने से 20 दिन ज़्यादा ले लेता है, तो छेद कितने दिनों में आधी टंकी खाली कर देगा। देखिए यह जो है ए जो है पूरा 40 दिन में भरता है, लेकिन क्या होता है जैसे छेद होता है ए माइनस बी हो जाएगा, यह आपको 60 दिन लेगा टोटल, इसको निकालिएगा तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, इसके इससे भाग कीजिए कितना होगा 40, यानी कितना होगा 4 3 हो जाएगा, इसका कीजिए कितना होगा ये 2 हो जाएगा। अब देखिए तीन का मान ए का मान 3 है, बी का मान कितना होगा 1 होगा, तब तो यह 2 होगा ना, तो बी क्या कर रहा है एक के दर से क्या करेगा इस 120 टैंक को खाली करेगा, लेकिन यह टोटल खाली करने में 120 क्या होगा इसको दिन लगेगा, इसको बोला कि नहीं आधा ही खाली करना है तो 60 दिन लग जाएगा, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि एक के नीचे फलक पर दूसरी फलक पर कौन सी संख्या, देखिए इसको देखने के लिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, दोनों में 2 मिल रहा है, तो 2 से क्या कीजिए या तो राइट घूमिए या तो लेफ्ट घूमिए, या तो घड़ी के दिशा में घूमिए या घड़ी के एंटी मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमिए, तो देखते कैसे होता है यह। तो 2 देखिए इसमें कहाँ दिया गया 2, फिर क्या है 4 है 6 है, 2 4 6 है, इसमें 2 3 5 है, 2 3 5 नहीं अब बच के आ गया, पासा में 1 से लेकर 6 तक रहता है तो 2 भी आ गया, इसमें 1 नहीं आता, इसलिए 2 का या 6 का अपोजिट करें ना, 1 का निचले फलक में क्या होगा, 1 का निचले फलक में क्या होगा 2 आंसर होगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, शारदा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। लिखा है और इसको ये लिखा गया तो इसमें क्या लिखा जाएगा, तो हम देखते हैं बी ओ ए टी, इसको क्या लिखा गया है टी बी ए ओ, यह हो गया 1 2 3 4, ऐसे नंबर वाइज कर लेते हैं। अब देखिए 4 किस स्थान पर आया, टी देखिए पहला स्थान पर आ गया यहाँ पर, अब ए देखिए 3 है तो 3 कहाँ पर, 3 3 पे है, देखिए ओ जो है 2 है कहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया, 1 कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, यानी क्या आ गया, इसी तरह से देखते हैं 4100 कितना हो गया 4132, इसी तरह से गैन में देख लीजिए जी ए आई एन गैन, तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4, तो हमको क्या देखे 4132 देखे थे ना, 41 में 4 क्या हो गया 4 में एन हो जाएगा, 1 में जी हो जाएगा, 3 में आई हो जाएगा, 2 में क्या होगा ए होगा ए एन जी आई ए, एन जी एन जी एन जी आई ए हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 14 में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 21 में भारत का भारत से ऊंचा स्थान था, यह था आपको श्रीलंका का 115 का श्रीलंका हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इस प्रश्न को जब आप हल कीजिएगा इसको हल कीजिएगा तो यह आंसर आपको सी हो जाएगा। एक आदमी 10% साधारण ब्याज पर 300 रुपया उधार लेते हैं, वह एक साल के अंत में 60 रुपया भुगतान किया, दूसरे वर्ष के अंत में कितना चुकाना पड़ेगा, पहला साल में देख लेते हैं ब्याज हुआ कितना है, तो पहला साल में यह ब्याज जो हुआ है 300
आपको 10% एक निकालेगा ये, यह हो जाएगा आपको कितना 30 हो जाएगा। 30 रुपया इसका ब्याज, लेकिन 60 रुपया लौटा रहा है, तो इसका मतलब क्या किया है ये, तो 300 रुपया तो इसका ब्याज था, 300 रुपया मूलधन था, 30 रुपया ये 330 रुपया होगा टोटल, 60 रुपया इसमें लौटा, 60 रुपया घटा दीजिए, 270 रुपया इसका बच गया। अब 70 रुपया पे ही क्या चलेगा, इसका ब्याज चलेगा 10/, यानी 1/ इसका कितना हो गया 100। इसको हल कीजिएगा कितना हो गया 27 हो गया टोटल। इसको कितना लुटाना पड़ेगा, तो पहले कितना 70 रुपया है, तो 27 7 इधर 2 9 297 रुपया, इसको क्या करना पड़ेगा, लुटाना पड़ेगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए एलसीएम में कितना निकालना है, एलसीएम में जब भिन्न में दिया रहता है तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे का एससीएफ पता है, इसका एलसीएम निकालिए कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, एससीएफ निकालिएगा 2 हो जाएगा। इसको कीजिएगा हल कीजिएगा तो यह 5/1 हो जाएगा। आंसर नंबर आपको डी हो दिया है। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनाया था, राज राजा प्रथम। आंसर नंबर इसका डी हो। निम्नलिखित में से इतना के सही जैव संकरण क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए, वर्ग समतलीय SP3 D2 D² हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो है ना इसका ए हो जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसका आंसर आपको सी होगा, सदन का कुल सदस्य का 10वां भाग। साधारण ब्याज किस दर से 5 वर्ष में धनराशि इतना का इतना हो जाता है, तो यह जो है ना आपको 8000 कितना हो गया, 12600 हो गया, तो कितना बढ़ गया है, तो यह 460 रुपया बढ़ गया है ब्याज। आपको दर निकालें तो ब्याज गुना 100/ मूलधन, मूलधन 800 है और कितना है 5 वर्ष में। इसको हल कीजिएगा 11.5 आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर आपको ए में दिया गया है। बीटा 6 परिमाण क्या होता है, तो बीटा 6 परिमाण जो होता है यह दुर्बल नाभिकीय बल होता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो यह 22 भाषा आंसर नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है, तो सार्क देश नहीं है पूछा है, तो यह हो जाएगा आपको मॉरिशस। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, बाद बाकी सब है। कहता है डैश ने राजा शिवराजपुर तट के ब्लू फ्लैट सर्टिफिकेट दिया गया है, तो यह है आपको गुजरात में। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। समीर वी कामत डैश क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद धारण किया, तो यह है आपको रक्षा क्षेत्र में। आंसर नंबर ए हो जाएगा। स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान कमजोरी कंकाली पेशियों तथा पक्षघात होता हुआ है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत में का पहला चंद्र अभियान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो यह श्री हरि कोटा से। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। दूसरों से भिन्न है, तो पहले G7 पे होता है, G10 पे होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको L है, L है 12 पे, यहाँ पे ये L दिया गया है, L है। M13 होता है, P16 होता है, R18 होता है, R कितना होता है 18 होता है, P16 है, S19 है, T20 है। यहाँ देखिए A1 है, D4 है, F6 है, 7 3 10 हुआ है, 13 3 16 हो गया, 16 3 19 हो गया, 1 4 1 में 3 4 हो गया, 10 दोबारा 2 बढ़ा है, इसमें 2 बढ़ा है, इसमें कितना 1 बढ़ा है, इसमें कितना है 2 बढ़ा, इसलिए आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। यूनेस्को का शांति पुरस्कार 22 में किसे दिया गया है, तो यह एंजेला मार्केल। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 किससे संबंधित है, तो यह है आपको विराजपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो यह थे आपको पार्श्वनाथ। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन कीजिए, यह इसमें क्या हो गया, एम्पायर है, गिल्लियां है, स्टाम्प है, बल्ला है, तो यह कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें स्टाम्प जो है इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, स्टाम्प आंसर नंबर इसका बी होगा। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ए नंबर का हो जाएगा। इस पासे में 6 के विपरीत कौन सा होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में आपको कॉमन है 3 है, तो 3 के क्या कहते हैं क्लॉक वाइज में घूम ले, 3 4 1, इसमें क्या है 3 2 5, 3 2 5, देखिए दोनों में क्या है, तो 1 से लेकर 6 तक होता है, इसमें जो है ना सब तो आ गया है, इसमें क्या नहीं आया है, तो आपको 6 यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए 3 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, 6 का विपरीत 3 होगा, इसका आंसर नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसका मतलब 2 बढ़ा है, 30 20 है, तो कितना है 2 बढ़ेगा, तो भी हो जाएगा 22 हो जाएगा। डी 4 होता है, डब्ल्यू
चार और 23 को जोड़िएगा तो कितना होगा 27 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी है, भी में कितने होंगे 27 होगा 5, तो ई हो जाएगा, भी ई हो जाएगा। देखिए भी ई दिया गया है, भी ई दो को मिल रहा है। अब देखिए एफ 6 होता है डी 4, यानी कितना है यहाँ पे 2 घट गया है, तो वाई से 2 घटे कितना हो गया, तो डब्लू कितना होगा, डब्लू हो जाएगा। अब भी ई डब्लू देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, भी ई डब्लू मात्र एक ठो इसमें मिल रहा है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। गन्ने में कह रहा है, गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, सबसे ज़्यादा तो गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब प्रति हेक्टेयर का बात आएगा यह तमिलनाडु हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है इस सीरीज में कौन सा होगा, इस सीरीज में आंसर होगा डी होगा, आप इसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। यूएई की मुद्रा क्या है, यूएई का मुद्रा क्या है, दिरहम है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। यदि आप एक से 100 तक की संख्या लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे, 2 जो लिखिएगा या 20 बार लिखिएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या हो गया है, जब इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे पहले 90 बढ़ा है, फिर कितना बढ़ा है, इसमें 100 बढ़ा होगा, फिर 110 बढ़ा होगा, 120 बढ़ा है, इसलिए इसका आंसर नंबर कितना होगा, ए हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल थे, तो यह 22वां आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। भिन्न अलग चुनिए, गिटार जो इसको हाथ से यूज किया जाता है, सब इसके बाद जितना है सब इसमें क्या करता है, आपको अपने माउथ से मुंह से इसको यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसको ये लिखा गया, इसको क्या लिखा जाएगा, अब देखिए इसमें यह जो होगा सी आर ई ए टी आई वी ई, क्रिएटिव को लिखा गया है बी डी एस बी एफ यू जे एस, ये चार चार करके आप लीजिए, इसको जोड़ा कर चार के जोड़ा में लीजिए, देखिए ए को यहाँ बदला गया, सी को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ बदला, इसी तरह से आप इसको बदल के चेक कर सकते हैं। जैसे 145 का बदलिएगा, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। भूगोली की संधि कब नेपाल से संपन्न हुई, यह 1816 में, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। कौन सा विभाग गृह विभाग के अधीन नहीं है, तो कानून व्यवस्था विभाग, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई, तो यह हुई थी आपको 1665 ईस्वी में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए इसका 149 का जब हल कीजिएगा तो यह आपको डी हो जाएगा, और 150 नंबर में इसके 50 का जो होगा यह 7 गो सह संयोजक बंधन इसमें बना था, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा।